हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसके बिजनेस को जो है और ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकता है और केमिकल फील्ड से बिलोंग करता है। और केमिकल कंपनीज वो होती है जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है जनरेट करती है कम टाइम में। तो इस स्टॉक को जो है आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी जो है गिरावट हो चुकी है और अभी भी बढ़िया वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और स्टॉक में गिरावट होगी कहां तक हो सकती है वो भी हम चार्ट पर देख लेंगे और इसके फंडामेंटल भी इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छे लगे और ये स्टॉक आपको अच्छा लगे तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक के मार्केट कैप से। देखिए 4095 करोड़ का जो है मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप का स्टॉक है। करंट प्राइस अगर देखें तो 300 रुपए का प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई अगर देखें तो 337 रुपए का बनाया है इसने। 52 वीक लो देखें तो 204 रुपए का बनाया है। डिविडेंड इल देखिए 0.67% का है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, 2 रुपए पर शेयर जो है डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपए की फेस वैल्यू की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो 1 से कम होना चाहिए, वो भी कंपनी के लिए परफेक्ट है, 0.31 है। टोटल कर्जा देखे तो 327 करोड़ का है और इसका टोटल रिजर्व देखिए आप 1031 करोड़ का है, यानी कि कैश अमाउंट कंपनी के पास ज्यादा पड़ा हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 44.85% है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और एक भी शेयर गिर भी नहीं है, तो ये भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर देखें तो कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का कैसा रहा है। सेल्स देखिए पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 452 करोड़ से 486 करोड़ का हुआ है, सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बहुत ही जबरदस्त हुआ है, 66 करोड़ से 109 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22% का और नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार रहा है, 32 करोड़ से 57 करोड़। केमिकल कंपनी जो भी होगी वो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगी, बस इतना है कि उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए और उसके प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और डिमांडिंग होनी चाहिए, वो केमिकल कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न देगी। इसी तरीके से एक कंपनी और है अभी हिमाद्री स्पेशलिटी, उसको आप अगर बाय करना चाहें तो अभी प्रेजेंट वैल्यू पर बाय कर सकते हैं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगी। तो आप उस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं और ये वाली कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है लॉन्ग टर्म में। ईयर वाइज देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स देखिए पिछले साल के कंपेयर में देखें तो 1455 करोड़ से 1792 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 206 करोड़ से 311 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 17% का। नेट प्रॉफिट देखिए आप 83 करोड़ से 138 करोड़। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर मार्च 2017 में प्रॉफिट देखिएगा 111 करोड़ का हुआ, 2018 में देखिए प्रॉफिट कितना कम हुआ और फिर देखिए 2019 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो है प्रॉफिट जनरेट कर लिया इस कंपनी ने। तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कोई भी अच्छी कंपनी हो स्टॉक मार्केट में हमेशा जो है बैड फेज जरूर आता है, तो वो कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो वो रिकवर कर लेगी आसानी से, बस आपको पेशेंसली होल्ड करके रखना पड़ेगा स्टॉक को। और जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे कंपनी का, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट देखिए लगातार जो है बढ़ रहा है और कम हुआ था तो फिर उससे भी ज्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर लिया कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर देखें बड़ा है, डिविडेंड देखिए अच्छा दे रही है और पास्ट 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आरओई मेंटेन किया 12.25% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 16.36% का है। सेल्स ग्रोथ देखिए 12.09% का है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी अभी अच्छा चल रहा है, निफ्टी में गिरावट हो रही है लेकिन ये स्टॉक अच्छा खासा जो है, अभी ज्यादा गिरावट नहीं हुई है स्टॉक में, अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। रिजर्व्स देखिए 1031 करोड़ का जो है कैश अमाउंट पड़ा हुआ है। टोटल असेट देखें तो 1849 करोड़ का है। कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव है। कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर देखते हैं रिटर्न किस तरीके के बना के दिए हैं। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड केमिकल कंपनी है, इसमें अच्छी खासी जो है गिरावट भी हुई थी 323 के ऊपर, जो ये 337 रुपए ही अभी
पिछले महीने या स्टार्टिंग के महीने में ही ये 337 का इसका 52वीं हाई था, वहां से गिरावट हुई है और 270 के आसपास में भी ये स्टॉक गया है। तो जिन लोगों ने होल्ड करके रखा होगा उनको वापस जो है अच्छा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया होगा, और जिन्होंने 337 पर भी खरीद रखा है तो वो लोग भी होल्ड करके रखे, आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी शानदार रिटर्न बना के देगी। दीपक नाइट्राइड मैन्युफैक्चरिंग बेसिक केमिकल्स फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी, शानदार क्वालिटी के केमिकल बनाती है और अच्छा जो है इनका यूज होता है, इंडस्ट्री में डिमांड है। आप इसके रिटर्न देखिए, रिटर्न देख के आपको पता चल जाएगा, 3 साल में देखिए 209% का रिटर्न बना के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 2 लाख रुपए इजीली बन गए होते, बस आपको होल्ड करके रखना था। और 10 साल में देखिए 2303% का रिटर्न बना के दिया है, इंडस्ट्री पी से पी ज़्यादा, यानी कि शेयर जो है महंगा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको मैं चार्ट पर बताता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप इसका, मार्च क्वार्टर से अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईस की होल्डिंग घटी है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स बढ़ाई है। 30 एफआईस का पैसा लगा हुआ है और 9 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कंपनी का सीवी देखिए, डिविडेंड देख लेते हैं, 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड देती है, अपने इंडस्ट्री में 8वें नंबर की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 1970 से जो है चालू हुई थी और केमिकल्स बनाती है। आप देखिए एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, रबर, स्पेशलिटी, फाइन केमिकल्स, दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल, एक्सप्लोजिव में काम आता है, पेंट में, कॉस्मेटिक में, लुब्रिकेंट्स में, पॉलीमर में, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स, पेट्रोलियम एडिटिव, स्पेशलिटी फाइबर्स, तो बहुत शानदार क्वालिटी के केमिकल्स बनाती है कंपनी, अच्छा ग्रो करेगी। मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ इसके लेवल्स, तो लेवल्स देखिए मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगाकर रखा है, एक कैंडल जो है एक महीने की कैंडल है, और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा शेयर ने देखिए पिछले महीने ये लो बनाया था, जस्ट 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया और वहां से देखिए वापस जो है अपमूव देना स्टार्ट किया है। तो इस स्टॉक में आप क्या कीजिए, करंट लेवल से जो 300 रुपये का लेवल है वहां से 20 शेयर्स की SIP मोड में बाई कीजिए, तेजी हो या गिरावट 20 शेयर्स की आपको SIP करनी है हर महीने। और ये स्टॉक अगर 272 रुपये यानी कि 270 से 75 के बीच में आ जाता है तो वहां पर आपको एक साथ 10 से 15 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और 20 शेयर की SIP जो है एक साल के लिए चालू रखनी है, एक साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिएगा 10 से 15 साल के लिए, आपको शानदार रिटर्न इस स्टॉक में मिलेगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारा आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।